begin wedding rituals! हर महिला के लिए उसकी शादी उसके पूरे जीवन में सबसे महत्वपूर्ण घटना है, इसलिए उस विशेष दिन पर सबसे अच्छा लगना प्रत्येक स्त्री की इच्छा होती है। इसलिए उसके कपड़े और गहने से अलग उसका दिखाव भी बहुत महत्वपूर्ण है। दुल्हन के लिए उसका दिखाव बहुत मायने रखता है। यह एक शादी की प्रमुख पहलुओं में से एक है। तो चलो दुल्हन को अच्छे और नए मेकअप सामान के साथ अपने पारंपरिक पहनावे को जचे वैसा मेकअप करते हैं और उसे और सुंदर बनाते हैं। एक सुंदर लिपस्टिक चुनें। एक अच्छा आईलाइनर चुनें। एक सुंदर आईशैडो चुनें। उपयुक्त आंख लैश उठाओ। आकर्षक झुमके उठाओ। एक अच्छा हार लीजिए। नाक रिंग चुने। नाक रिंग चुने। टीका का चयन करें। टीका का चयन करें। एक बिंदी चुनें। गजरा मूल रूप से एक फूलों का माला है
जिसका प्रयोग महिलाओं के बालों की सुंदरता को बढ़ाने के लिए किया जाता है। यह मूल रूप से हर रोज पारंपरिक पोशाक का एक हिस्सा है। ये समारोह में महिलाओं द्वारा पहना जाता है और यह एक आदर्श भारतीय रूप देता है। भारतीय शादी में दुल्हन का पहनावा बहुत अच्छा और रंगीन होना चाहिए। यह दुल्हन के लिए सबसे अच्छा और महत्वपूर्ण दिन है। यह सही है कि दुल्हन उसकी शादी में सबसे आश्चर्यजनक सर्वोत्तम दिखे। दुल्हन के सबसे बड़े सपने को जीवन में सबसे ज्यादा महत्व वाले दिन सबकी आंखें उस पे ही रहनी चाहिए। चलो उसे आकर्षक बनाते हैं। एक सुंदर लहंगे का चयन करें, एक अच्छा शीर्ष चुनें, एक मिलान दुपट्टा चुनें। आपने बहुत बढ़िया किया। दुल्हन अत्यंत सुंदर लग रही है, उसके ऊपर से नजर हटाना मुश्किल है। दुल्हे के लिए पारंपरिक कपड़े समान रूप से महत्वपूर्ण हैं, जो लालित्य और शैली का प्रतीक है। आमतौर पर यह माना जाता है कि जब पुरुषों के पहनावे की बात आती है तो विकल्प सीमित होते हैं। हालांकि भारतीय विवाह परिधान में दुल्हे को अलग अलग संभावनाओं के साथ ड्रेसिंग का लाभ मिलता है, इसलिए एक भारतीय दुल्हे को भारतीय शादी की वेशभूषा के संग्रह के लिए तैयार होना चाहिए। तो शैलियों, पैटर्नों और डिजाइनों की विस्तृत श्रृंखला से दुल्हे के लिए सबसे शाही पारंपरिक पहनावा चुनें। एक अच्छी शेरवानी चुनें, पैंदा चुनें, जूते की एक अच्छी जोड़ी उठाओ, उसके लिए एक अच्छा साफा चुनें।
बढ़िया, दुल्हा इस सर के लिए बहुत खूबसूरत और सही लग रहा है। परंपरा के अनुसार वरमाला में रंगीन फूलों का आकर्षण होता है, जैसे कि गुलाब, कार्नेशंस, मैरीगोल्ड और ऑर्किड का उपयोग समारोह के लिए इस्तेमाल किए गए मालाओं को बनाने के लिए किया जाता है। फूल उत्तेजना, खुशी और सौंदर्य का प्रतिनिधित्व करते हैं। सभी वैवाहिक संघ को दर्शाते हुए एक स्ट्रिंग पर एक साथ बंधे होते हैं। आइए हम इस विशेष दिन के लिए, युगल के लिए सुंदर वरमाला बनाते हैं। अपने पसंदीदा एक को चुनें। उनमें से एक को चुनें जो सुंदरता को बढ़ाएगा। अपने पसंदीदा पत्ते चुनें। सामान चुने। शादी समारोह के दिन मंडप समारोह महत्वपूर्ण है। ऐसा इसलिए है क्योंकि मंडप समारोह के दौरान सभी महत्वपूर्ण अनुष्ठान मंडप में ही किए जाते हैं। एक सुंदर मंडप शादी की शोभा और बढ़ा देती है। शादी की कार सजावट भारतीय शादी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह शाही सवारी है
जिसमें राजकुमार आकर्षक होगा जो अपनी दुल्हन का अपने नए जीवन में स्वागत करेगा। वेडिंग का सजावट में मुख्य रूप से बहुत सारे फूलों आकर्षण शामिल है, जिसमें गुलाब, मैरीगोल्ड, ऑर्किड, कार्नेशंस आदि शामिल है, और रिबन, गुब्बारे, कृत्रिम फूल, साटन, रंगीन धागे और कई अन्य सजावटी वस्तुओं जैसे अन्य सामान शामिल है। चलो सजाने से पहले कार को साफ करते हैं। कार धो। अच्छी तरह से इसे साफ करें। कार धो। ब्लोअर का उपयोग करें। कार क्लीनर का उपयोग करें। कार के लिए अपना पसंदीदा रंग चुनें। जान या बारात गायन और नृत्य के साथ शोभा यात्रा निकलती है, जिसमें दूल्हे के परिवार और रिश्तेदार शामिल होते हैं। वे विवाह स्थल तक पहुंच जाते हैं, जो ज्यादातर ज्योनार या विवाह हॉल होता है। दुल्हन के परिवार ने उनके आभार और खुशी व्यक्त करने के लिए उनका मिठाई और आरती के साथ स्वागत किया जाता है। असल में यह दुल्हे के परिवार का स्वागत करने के लिए है। हर कोई एक प्रसन्न मनोदशा में है, तो आइए इस अनुष्ठान को शुरू करते हैं। दूल्हे के साथ अनुष्ठान करते हैं। तिलक करो। चावल को लागू करें। कलश को शिरकत की घड़ी की दिशा में घुमाएं। आरती करो। तिलक करो। चावल को लागू करें। यह इतना मजेदार था, बहुत बहुत धन्यवाद। परंपरागत रूप से एक डोली को दुल्हन ले जाने और दुल्हन को मंडप में लाने के लिए प्रयोग किया जाता है। एक डोली एक बांस ध्रुव के चार कोनों द्वारा निलंबित एक कोट है। यह आमतौर पर भव्य कपड़े और सुंदर फूलों से सजाया जाता है। असल में यह समारोह है जिसमें दुल्हन अपनी शादी के बाद उसके माता पिता को छोड़ देती है।
लड़की मंडप की ओर अपने भव्य प्रवेश के दौरान वास्तव में परेशान होती है, क्योंकि सभी की आंखें उसके ऊपर होंगी। आमतौर पर लड़की एक डोली में बैठे मंडप में आती है और फिर सबसे महत्वपूर्ण विवाह समारोह शुरू किया जाता है। लड़की को डोली के अंदर बैठने दो। अच्छी तरीके से किया, प्रवेश अद्भुत था। लड़की अनुष्ठानों के लिए मंडप तक पहुंच गई है। अनुष्ठानों के अनुसार लड़की को विष्णु के रूप में माना जाता है और लड़की को लक्ष्मी के रूप में माना जाता है। ससुर अपने दामाद के पैर धोता है और वादा करता है कि लड़की लड़के के हर आध्यात्मिक विकास में पूरा सहयोग देगी। चलो इस अनुष्ठान को करते हैं। लड़के पर टैप करें, तिलक करें, चावल को उस पर लागू करें, उसे पवित्र पत्ते दे, सुपारी डालें, लड़के के पैरों पर टैप करें, पैरों के नीचे प्लेट रखो, कुछ पानी डाल के पैर साफ करो, कुछ पंचामृत को डालें, पैरों को साफ करें, पैर की उंगली पर तिलक करें, तिलक पर चावल को लागू करें, इसके लिए कुछ फूलों की पेशकश करें। अनुष्ठानों को शुरू करने के लिए लड़की पर टैप करें, तिलक करें, चावल को उस पर लागू करें, उसे पवित्र पत्ते दे, सुपारी डालें, पैरों के नीचे प्लेट रखो, कुछ पानी डाल के पैर साफ करो, कुछ पंचामृत को डालें, पैरों को साफ करें, पैर की उंगली पर तिलक करें, चावल को उस पर लागू करें। इसके लिए कुछ फूलों की पेशकश करें। आपने इस अनुष्ठान को वास्तव में अच्छी तरीके से किया। अब हम आगे की रस्में करते हैं। इस समय युगल ताजा फूलों की हारों को एक दूसरे के गले में पहनाते हैं, एक दूसरे की स्वीकृति को दर्शाते हैं और एक दूसरे के लिए जीवन में भागीदारों के रूप में उनके सम्मान की प्रतिज्ञा करते हैं। चलो इस अनुष्ठान को करते हैं। लड़के का मूड सबसे पहले
हारमाला का आदान प्रदान करना वास्तव में मजेदार था। अब हम अगले अनुष्ठान पर आगे बढ़ते हैं। हस्तमिलाप का संस्कृत से अनुवाद किया गया है, जिसका अर्थ है हाथों का मिलना। अग्नि देवता की उपस्थिति में दंपति अपने हाथों के संग के साथ एकजुट होते हैं। लड़की अपने दाहिने हाथ को दूल्हे के दाहिने हाथ में परंपरा के अनुसार रखती है। फिर अपने बंधन को मजबूत करने के लिए दूल्हे की बहन या माता दोनों लड़की और दूल्हे के हाथ को एक डोर से बांध के उनकी एकता को दर्शाते हैं। दंपति एक दूसरे के साथ प्यार, करुणा और सहानुभूति का सम्मान करने की प्रतिज्ञा करते हैं। चलो हस्तमिलाप अनुष्ठान प्रदर्शन करते हैं। लड़की और लड़के के हाथ में पवित्र पत्ते दे। पेशकश की जाने वाली धनराशि हमेशा कुछ राशि अपने हाथों में रखें। इसके अलावा सिक्का लगाओ। कुछ गुलाब की पंखुड़ी जोड़े। बहुत बढ़िया। यह पवित्र अनुष्ठान वास्तव में अच्छी तरह से किया गया था। अब हम गठबंधन नामक अगली अनुष्ठान में जाते हैं। लड़की की चुन्नी अपने संग के प्रतीक के रूप में दूल्हे के दुपट्टे से जुड़ी हुई है। इसे गठबंधन कहा जाता है। चलो इस अनुष्ठान को शुरू करते हैं। उस पर पवित्र पत्ते रखो। कुछ राशि को चुन्नी में रखो। इसके अलावा सिक्का लगाओ। कुछ गुलाब की पंखुड़ी जोड़े। इसमें सभी चीजों के साथ गांठ बांधे। आइए हारमाला की पूजा करें। जूते छिपाए अनुष्ठान, जिसमें दूल्हे और लड़की को शुरू में मंडप के अंदर कदम रखने से पहले अपने जूते निकालने के लिए कहा जाता है। जहां शादी समारोह होता है, इस समय के दौरान लड़की की बहन दूल्हे के जूते को शरारत के रूप में चुराते हैं और वापस देने का वादा करते हैं। बदले में उन्हें बहुत अच्छा शुल्क मिलता है। चलो इस मजेदार खेल को शुरू करते हैं। सुनिश्चित करें कि आप निर्धारित समय में जूते पा लें। अच्छी तरह से आपने जूते ले लिए। मंगल फेरा भारतीय विवाह का सबसे महत्वपूर्ण अनुष्ठान है। मंगल फेरा के दौरान जोड़ी अपनी शादी की चुन्नी के साथ 7 बार पवित्र अग्नि की प्रदक्षिणा करते हैं। वे अपनी विवाहित जीवन की आकांक्षाओं को दोहराते हैं, क्योंकि प्रत्येक चरण एक विशेष वादा का प्रतीक है। मंगलम भगवान वेष्टो मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम कुंडलिकाक्ष मंगलायतनो हरि। ओम सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वाध साधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरे नारायणे नमोस्तुते।
ओम तदेव लग्नम सुदिनम तदेव ताराबलम चंद्रबलम तदेव विद्याबलम देवबलम तदेव लक्ष्मीपते ते गगमास्मरामि। ओम विनायकं गुरुं भानु ब्रह्मा विष्णु महेश्वरान् सरस्वती प्रणम्यादौ सर्वकार्यार्थ सिद्धये। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलायतनो हरि। ओम सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वाध साधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरे नारायणे नमोस्तुते। ओम विनायकं गुरुं भानु ब्रह्मा विष्णु महेश्वरान् सरस्वती प्रणम्यादौ सर्वकार्यार्थ सिद्धये। लड़की की माँ कुछ कंसार लाती है। कंसार जोड़े का पहला एक साथ भोजन है। युगल अपने यूनियन का प्रतीक दिखाने के लिए एक दूसरे को कंसार प्रदान करते हैं। कंसार कुचले गेहूं चीनी और घी से बनी एक मिठाई है। इसे पेश करने के लिए कंसार की थाली खींचे, उन्हें एक दूसरे के साथ कंसार बांटने में सहायता करें। लड़की को दूल्हे के साथ कंसार बांटने में मदद करें। लड़की को कंसार बांटने के लिए दूल्हे की मदद करें। इस अद्भुत अनुष्ठान में लड़की की ओर से सात विवाहित महिलाएं दंपति की चारों ओर घूमते हैं और दाहिने कान में आशीर्वाद और शुभकामनाएं देते हैं। ये महिलाएं लड़की को अखंड सौभाग्यवती भव आशीर्वाद देती है, जिसका मतलब है कि आपका पति एक लंबा जीवन जिए और हमेशा के लिए आपके साथ रहे। इस अनुष्ठान को सौभाग्यवती भव कहा जाता है, जहाँ वे शुभकामनाएं खुशी और दंपति की समृद्धि की इच्छा रखते हैं। चलो इस अनुष्ठान को शुरू करें। लड़की को आशीर्वाद देने में उन्हें सहायता करें। अब सात विवाहित महिलाएं उसे आशीर्वाद देगी। आपने एक अद्भुत काम किया है। आपने सभी प्रथाओं को बहुत अच्छी तरीके से निभाया है।
हिंदू विवाह में सबसे महत्वपूर्ण अनुष्ठानों में से एक है जिसे सप्तपदी कहा जाता है। शादी में इस अनुष्ठान की विशिष्टता ये है कि प्रत्येक दौर को पूरा करने के बाद दंपति रुकती है और अगली फेरी से पहले उसके दाहिने पैर से 7 सुपारी को छूते हैं। आइए इस रस्म को शुरू करते हैं। मेज पर 7 गेहूं के ढेर रखो। शोर पर सुपारी रखो। तिलक करें। चावल को लागू करें। पवित्र पत्ते दे, उस पर कुछ पैसे रखें। इसके लिए कुछ फूलों की पेशकश करें। इस पर गुलाब की पत्ती रखें। इस पर लड़की के पैर पर टैप करें। लड़की के पैर पर टैप करें। लड़की की उंगली को पकड़ने में लड़की की सहायता करें। सुपारी स्पर्श के लिए पैर की उंगलियों पर टैप करें। सुपारी स्पर्श के लिए पैर की उंगलियों पर टैप करें। सुपारी स्पर्श के लिए पैर की उंगलियों पर टैप करें। सुपारी स्पर्श के लिए पैर की सुपारी स्पर्श के लिए पैर की उंगलियों पर टैप सुपारी स्पर्श के लिए पैर की उंगलियों पर टैप करें। आपका योगदान अद्भुत था। अब हम आगे बढ़ते हैं और एक और महत्वपूर्ण अनुष्ठान करते हैं। मंगलसूत्र काले मोतियों से बना एक पवित्र हार है जो लड़का लड़की की गर्दन में पहनाता है। यह उनकी शादी का एक प्रतीक है। लड़का लड़की के बालों के मध्य भाग में सिंदूर भर के लड़की की इच्छा पूरी करने का वादा करता है।